हिंदुकश की बुलंद उबाला चोटियों में घिरा ये है वो खिता जो कुर्रा अर्ज की चंद इंतहाई नायाब मखलूकात का मस्कन है। ये है वादी चित्राल जहां हर सू फैले हैं सनोवर और जुनिपर के जंगलात और लातादाद इकसाम के पौधे। इसी वादी में बसते हैं सबसे बड़ी तादाद में अस्तोर मारखोर और लातादाद इकसाम के हैवानात जिनके लिए सामाजिक हैवान यानी इंसान सबसे बड़ा खतरा बने हैं। इन बस्तियों के मकीन अपने घर और चूल्हे गर्म रखने के लिए कुदरत की अता की हुई जंगलात की इंतहाई कीमती दौलत को आग की नजर करने पर मजबूर हैं। हमारी जिंदगी बड़ी सदा और इंतहाई कठिन है। हमें अपनी तवन्नाई की जरूरतों को पूरी करने के लिए अपने घर और अपने घर के चूल्हे गर्म रखने के लिए दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ी से गर्म रखने पड़ते हैं। हमें पता है कि मौसम बदल रहा है, कुदरती आफात और सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बेबस हैं। कुदरती वसाइल के बेजा इस्तेमाल, गैर कानूनी शिकार और कई दीगर अवामिल से पैदा होने वाले खतरात के पेश नजर USAID स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम ने बियार लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन BLSO को फंड्स फराहम किए ताकि वो जिला चित्राल की तहसील मस्तूज में कम्युनिटी के जरिए कुदरती वसाइल की मैनेजमेंट को मुस्तहकम बनाते हुए जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए अपने एक शानदार मंसूबे पर काम कर सके। कामयाबी तभी मुमकिन थी कि हम कम्युनिटी को इस काबिल बना दें कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। इसके लिए हमने इस कम्युनिटी को अपने साथ मिलाया और इसको ऐसा मिसाली किरदार बनाने के लिए काम शुरू किया कि दूसरे लोग भी उनके नक्शे कदम पर चल सके। इस प्रोजेक्ट में कई सरगर्मियां शामिल थीं। सबसे पहले एक ऐसी मैकेनिज्म की तैयारी पर काम किया गया जिस पर चलते हुए कम्युनिटी अपने कुदरती वसाइल की मैनेजमेंट खुद कर सके। इब्तदाई तजसीए की बुनियाद पर गांव की सतह पर आरसी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए जहां 120 मर्दों और 120 खवातीन को लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ब्रेकवेट मेकिंग और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे शोबों में तरबियत दी गई। इस ट्रेनिंग सोर्स को ये फ़ायदा हो गया कि मकामी लोग अभी जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल करके ब्रिकेट बनाएंगे। अब ये लोग ये जो ट्रेड है इसको इस्तेमाल कर अपने कुदरती वसाइल के ऊपर जो दबाव है उसको कम कर सकते हैं। ट्रेनिंग की नौयत के पेश नज़र शुरुका को तमाम जरूरी आलात शुरू में ही फराहम कर दिए गए। ब्रैकेट मेकिंग हो या लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, सर्दियों के लिए चारा महफूज करने के तरीके हो या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की तरबियत, इसमें हर तरह के मौजूद शामिल थे। प्रोजेक्ट के तहत रेंज एंड पास्टर लैंड मैनेजमेंट पर वर्कशॉप भी मुनक्कद की गई, जिनमें कुदरती वसाइल के तहफ्फुज़ और इस हवाले से लोगों पर आयद होने वाली इखलाकी जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया। इन्हीं लोगों ने जैसे हमें जगा दिया है, ये वो चीजें हैं जो हमें बहुत अजीज है। हम फितरत के मुतवाली हैं, लेकिन हम इसी के दुश्मन बने हुए थे। USAID और BLSO की बदौलत आज हमें जिंदगी जीने का बेहतर तरीका मिल गया है। प्रोजेक्ट के शुरू का अब अपने घरों को गर्म रखने और पकाने के लिए लकड़ी की बजाय मुतबादल ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो बेहतर सलाहियतों से लैस हैं कि बेहतर मवेशी पाल सकें, बेहतर चारा हासिल कर सकें और किसी खर्च के बगैर नामियाती खादें तैयार कर सकें। इन्हें डेयरी प्रोसेसिंग और काश्तकारी के जदीद तरीकों से आगाही मिली है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बदौलत इनकी आमदनी बेहतर हो रही है, जिससे एक तरफ इनके माली हालात में बेहतरी आ रही है तो दूसरी जानिब कुदरती वसाइल को तहफ्फुज़ मिल रहा है। ये ट्रेनिंग हमारे लिए एक नियामत है, इसे हमें बेशबहा मालूमात हासिल होती हैं। हमें अपने धरती के कुदरती हुस्न को दादार के बगैर अपने मवेशियों के लिए चारा हासिल कर सकते हैं। इससे हमें कामयाबी का एहसास मिलता है और ज़हनी सुकून मिलता है। कम्युनिटीज जब अपनी कुदरती दौलत के तहफ्फुज़ का अज़्म कर लें तो इस मकसद के लिए इससे बेहतर कुव्वत कोई नहीं हो सकती। अपने इस पुख्ता अज़्म की बदौलत वो अपनी धरती के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने और अपनी रोजी के लिए नित नई राहें निकाल लेते हैं। जिला चित्राल की तहसील मस्तूज के बासी ऐसी ही कुव्वत की एक जिंदा मिसाल है जो आज अपने इलाके के नबातात और हैवानात के तहफ्फुज़ के लिए एक हो गए हैं और जो अपने इर्द गिर्द की दूसरी कम्युनिटीज के लिए लायक तकलीद हैं। La 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 la
la la.